गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, वेलकम टू EVS ऑनलाइन क्लासेस। सो हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो क्लास, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर चैप्टर 11, प्लांट्स वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस गगन एंड हिज ग्रैंडफादर प्लान टू विजिट अ नियर बाय गार्डन। एक बार गगन और उसके ग्रैंडफादर ने प्लान किया कि वो पास के ही गार्डन में घूमने जाएंगे। दे सैट अंडर अ शेडी बनियन ट्री। वो एक बनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था, उसकी छाया में बैठ गए। गगन वाज ग्लैड टू सी ग्रीनरी ऑल अराउंड। गगन चारों तरफ ग्रीनरी, हरियाली देखकर बहुत खुश हुआ। द ग्रीन ग्रास, प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स एंड मैनी बर्ड्स एटसेट्रा। वहाँ पर ग्रीन ग्रास थी, प्लांट्स थे, ट्रीज थे, फ्लावर्स थे और बहुत सारे बर्ड्स थे। अ बटरफ्लाई वाज फ्लाइंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। और एक बटरफ्लाई फूलों के ऊपर उड़ रही थी। ए कूल ब्रीज वाज आल्सो ब्लोइंग अक्रॉस द गार्डन। और कूल ब्रीज मतलब एक ठंडी हवा गार्डन में चल रही थी। गगन्स ग्रैंडफादर टोल्ड हिम टू सी प्लांट्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस देयर। गगन के ग्रैंडफादर ने बताया कि उसे यहाँ पर अलग अलग तरह के, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग शेप्स के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। गगन केयरफुली नोटिस्ड दैट सम प्लांट्स वर बिग वाइल अदर्स वर वेरी स्मॉल। गगन ने नोटिस किया और देखा कि कुछ प्लांट तो बहुत ही बड़े हैं और कुछ प्लांट्स बहुत ही छोटे हैं। प्लांट्स वर ग्रीन इन कलर बट अ फ्यू मे बी येल्लो, रेड और इवन पर्पल। उसने देखा कि प्लांट्स वर ग्रीन इन कलर। प्लांट्स का जो कलर है नॉर्मल वो ग्रीन होता है, बट कुछ वहाँ पर कैसे थे, येल्लो थे, कुछ रेड थे और कुछ कैसे थे, पर्पल थे। ग्रैंडफादर टोल्ड गगन दैट दे आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स एंड वी डिपेंड ऑन देम फॉर अवर फूड। ग्रैंडफादर ने गगन को बताया कि ये सभी हमारे क्या हैं, फ्रेंड हैं, जो पेड़ हैं, ग्रीन फ्रेंड्स हैं और हम फूड के लिए इन पर ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नीचे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखिए, वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज। फर्स्ट आते हैं ट्रीज। इन फैक्ट दे आर बिग एंड टॉल प्लांट्स। ये कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, लंबे होते हैं। ऑल ऑफ देम पोजेस हार्ड थिक एंड वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक्स। ठीक है, इनका जो पोजेस होता है हार्ड होता है, इनका जो स्टेम यानी तना होता है, ट्रंक जिसको बोला जाता है, वो थिक होता है। दे कैन लीव फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। और वो ये बहुत सारे सालों तक जिंदा जीवित रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, नीम, पीपल और बनियन। एग्जाम्पल के लिए मैंगो ट्री और नीम ट्री, ये क्या है, बहुत बड़े जो पेड़ होते हैं उनको ट्रीज बोला जाता है। आप लोग आ जाइए पेज नंबर 61 पर। दिया हुआ है श्रब्स। श्रब्स होती हैं झाड़ियाँ। वेल दे आर स्मॉल बुशी प्लांट्स। ये क्या होते हैं, स्मॉल बुशी प्लांट्स होते हैं। दे आर स्मॉलर, ये छोटे होते हैं। दे पोजेस थिन एंड हार्ड वुडी स्टेम्स। इनका जो पोजेस होता है वो थिन होता है एंड हार्ड वुडी स्टेम। दे पोजेस, ये दिखते कैसे हैं कि थिन एंड हार्ड वुडी स्टेम। इनका जो वुड स्टेम होता है वो हार्ड होता है, वुडी होता है, थिन होता है, मतलब पतला होता है, कमज़ोर होता है एंड हार्ड वुडी स्टेम। फॉर एग्जाम्पल रोज, जैस्मिन एंड हिबिसिकस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हर्ब। हर्ब होती हैं हमारी औषधियाँ जिनको हम बोल सकते हैं, जैसे मिंट, कोरिएंडर, तुलसी, ये सब क्या हैं, हर्ब हैं। दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं। दे पोजेस सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, ये कैसे दिखाई देते हैं, सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिंट, कोरिएंडर एंड तुलसी। नो मोर, तुलसी इज़ ए होली प्लांट एंड पीपल ऑफर प्रेयर्स टू इट। तुलसी एक होली प्लांट है और लोग इसकी पूजा भी करते हैं। इट इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ द हाउसेस, और ये सभी घरों में, ज़्यादातर घरों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स होती हैं अपनी लता, बेल जो होती हैं। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड्स, ये नीचे से ऊपर की साइड बढ़ती हैं और बढ़ने के लिए इन्हें किसी की सपोर्ट की नीड होती है। दे पोजेस थिन एंड वीक स्टेम, इनके जो ये कैसी दिखती हैं, ये ऐसी होती हैं कि इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है।
दे आर अनेबल टू स्टैंड ऑन देयर ओन, ये अपने ही स्टैंड पर यानी खुद की हेल्प से खड़ी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट, मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। देखो ये पी प्लांट है, ये मनी प्लांट है, ठीक है। आगे आते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स भी बेल होती हैं, लताएं होती हैं, पर ये कैसी होती हैं, जैसे पम्पकिन प्लांट, ठीक है, बिटर ग्राउंड, बिटर गार्ड प्लांट, ठीक है, करेले की बेल, और ये सब क्या है, इन ये ज़मीन में ही फैली हुई होती हैं। तो देखिए दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये पूरे ग्राउंड में फैली हुई होती हैं। दे पोजेस थिन एंड वीक स्टेम्स, इनके भी स्टेम्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, थिन एंड वीक। फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन, वाटरमेलन एंड बिटर गार्ड होता है करेला, ठीक है। आगे आ जाइए पेज नंबर 62 पर। 62 में देखिए, नोइंग अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि एक प्लांट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो देखेंगे। मेनली अ प्लांट हैज़ टू मेजर पार्ट होते हैं, कौन कौन से, अ रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या होता है, अ शूट सिस्टम इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज अबव द ग्राउंड, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, बर्ड्स, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। शूट सिस्टम मीन्स होता है जमीन के ऊपर वाला हिस्सा, और जमीन के अंदर होता है रूट सिस्टम, ठीक है। इसमें कंसिस्ट होते हैं शूट सिस्टम में स्टेम, बर्ड्स, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। और रूट सिस्टम क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज़ बिलो द ग्राउंड, रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। ये जो पार्ट होता है रूट का, ये ग्राउंड के अंदर की साइड होता है, इसमें जड़ें निकली हुई होती हैं जो मिट्टी को पकड़े हुए होती हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी प्लांट्स जो होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं देखेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड हेयर, चलिए समझते हैं। ऑल प्लांट्स नीड फूड, सभी प्लांट्स को फूड की नीड होती है। अ प्लांट मेक इट्स फूड इन इट लीव्स, एक प्लांट अपना जो फूड बनाते हैं वो लीव्स यानी पत्तियों की मदद से बनाते हैं। लीव्स कंटेन क्लोरोफाय विच इज़ वॉट गिव्स दैम देयर ग्रीन कलर, ठीक है। लीव्स में एक क्लोरोफाय पाया जाता है जिसके कारण से ही पत्तियों का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। देयर आर स्मॉल पोर्स इन द लीफ, छोटे छोटे पोर्स यानी छिद्र भी होते हैं, छेद होते हैं पत्तियों में, कॉल्ड स्टोमेटा, और उसको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। दैट अलाउज अ प्लांट टू एब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एटमोसफेयर, जो क्या करता है, अलाउ करता है, ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, वो अलाउ करते हैं प्लांट को एब्जर्व करने के लिए एटमोसफेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द रूट एब्जर्व वाटर फ्रॉम द सोइल एंड सेंड इट टू द लीव्स, रूट एब्जर्व करती है वाटर को सोइल में से, और कहाँ तक पहुँचाती है, सेंड इट टू द लीव्स, लीव्स तक पहुँचाती है। क्लोरोफाय इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टुगेदर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मेक्स फूड फॉर प्लांट्स। क्लोरोफाय सनलाइट की प्रेजेंस में यानी सूर्य की रोशनी में काम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिक्स होने से प्लांट का फूड बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी पर्णहरित की प्रक्रिया, ठीक है। आगे आते हैं वेरियस यूजेस ऑफ लीव्स, अब लीव्स के क्या क्या यूज़ होते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ लीव्स रेंज फ्रॉम 6 months टू मैनी ईयर्स, ठीक है। पत्तियों का जो समय काल होता है वो 6 months से लेके काफ़ी ईयर्स तक हो सकता है, लंबे टाइम के लिए होता है। इवन आफ्टर दे फॉल ऑफ दे प्ले अ की रोल, ठीक है, गिरने के बाद भी ये की रोल प्ले करती हैं। इन ऑटम मोस्ट ऑफ द ट्रीज शेड देयर लीव्स बिकॉज दे हेल्प ट्रीज टू कंजर्व वाटर, ऑटम के मौसम में पत्तियाँ हैं वो क्या है, पेड़ों पर से झड़ जाती हैं, बिकॉज दे हेल्प ट्रीज टू कंजर्व वाटर, क्या करना चाहिए, किस लिए, कंजर्व वाटर के लिए। आगे देखिए लीव्स हैव द फॉलोइंग यूजेज इन अवर लाइव्स,
अब जो पत्तियाँ होती हैं उनके हमारे जीवन में डेली हमारे लाइफ में क्या यूजेस होते हैं। फर्स्ट आता है वेल, अशोका एंड मैंगो लीव्स डेकोरेट अवर हाउस। अशोका के पत्तों से, मैंगो लीव्स से घरों को डेकोरेट किया जाता है। वाइल नीम एंड ड्रमस्टिक लीव्स आर हेल्पफुल इन मेकिंग मेडिसिन। और नीम और ड्रमस्टिक लीव्स जो होती है वो मेडिसिन बनाने के लिए काम में ली जाती हैं। बनाना लीव्स आर यूज एज प्लेट्स टू सर्व फूड। बनाना लीव्स प्लेट्स बनाने, उनमें फूड सर्व करने के लिए यूज़ की जाती हैं। मेहंदी लीव्स कलर हेयर एंड डेकोरेट हैंड्स एंड फीट। मेहंदी लीव्स कलर हेयर करने के लिए और डेकोरेट हैंड्स एंड फीट डेकोरेट करने के लिए यूज़ में ली जाती हैं। डेट पाम एंड कोकोनट लीव्स आर यूज टू मेक द रूफ ऑफ कच्चा हाउसेस। डेट पाम और कोकोनट लीव्स छत बनाने के, कच्चा हाउसेस की जो छत होती है वो इनसे बनाई जाती हैं। करी लीव्स आर यूज टू ऐड फ्लेवर टू अवर फूड। और जो करी लीव्स होती हैं वो हमारे फूड में फ्लेवर ऐड करती हैं। ठीक है, आगे आते हैं। वॉट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, यानी प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है। तो देखो, प्लांट्स गिव अस द फॉलोइंग थिंग्स। प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे फर्स्ट है वेजिटेबल फ्रूट सीरियल्स एंड पल्सेस। सेकेंड है वुड टू मेक फर्नीचर एंड बी यूज एज अ फ्यूल। लकड़ियाँ मिलती हैं हमें पेड़ों से, और फ्यूल फ्यूल के यूज़ में भी आते हैं। थर्ड है कॉटन टू मेक क्लॉथ। कॉटन किससे मिलती है, हमें पेड़ों से मिलती है और कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं। फोर्थ है जूट टू मेक रोप्स एंड गनी बैग्स। जूट, जूट के बैग बनाए जाते हैं, रोप्स बनाई जाती हैं। फिफ्थ है परफ्यूम्स विच आर मेड फ्रॉम फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्मिन। परफ्यूम्स बनाई जाती है, ठीक है, फ्लावर्स किन किन के फ्लावर्स से, रोज और जैस्मिन के फ्लावर्स से। सिक्स्थ है ऑयल फॉर कुकिंग। ऑयल काम में लिया जाता है, ऑयल मिलता है हमें पेड़ों से कुकिंग के लिए। सेवन्थ है रबर फॉर मेकिंग टायर्स। रबर बनाए जाते हैं फॉर मेकिंग टायर्स के लिए। नाइन्थ, एट्थ है सेवरल मेडिसिंस, और बहुत तरह की मेडिसिंस भी बनाई जाती हैं। ग्रीन प्लांट्स हेल्प टू कीप द एयर क्लीन एंड कूल। ग्रीन प्लांट्स अपनी एयर को क्लीन रखते हैं, कूल रखते हैं। सो वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, और इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। तो इसी के साथ जो अपना चैप्टर 11 था वो कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाए जाएंगे। तो चलिए, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ़।